कि मायावती बहन अपनी जिसे आयरन लेडी कहते हैं, और बहन के शासन में सब गुंडे जेल के अंदर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति चुनाव बहुत ही गर्मा चुका है, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव 10 तारीख को होने जा रहा है और अपने परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आम जनता इस बार क्या सोच रही है, किसको जिताएगी, किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी? आज हम हैं अलीगढ़ मंडल में, जहां पर की 7 विधानसभाएं हैं और दूर दराज से यहां पर लोग चलकर आए हैं, क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती यहां पर आने वाली है। तो एक लोगों की उम्मीद है कि आज बहन कुमारी मायावती उनके लिए क्या बात करेंगी, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगी, क्या आश्वासन देकर जाएंगी अलीगढ़ मंडल के लोगों को, ताकि उत्तर प्रदेश में वो बहन कुमारी मायावती को जिताकर अपना विकास सुनिश्चित करें। यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि दूर दराज सर चलकर आए हैं। भाई साहब नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम प्रशांत कमली है। मैं बहुजन गायक हूँ, बाबा साहब और BSP के गीत निरंतर गा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर, और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। जी प्रशांत जी, आप जगह जगह घूम रहे हैं और अपने गीत के माध्यम से एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल चला हुआ है? उत्तर प्रदेश में इस बार जो बसपा का जो माहौल चल रहा है वो 2007 वाला चला, और सर्व समाज का युवा, सर्व समाज का बुजुर्ग और सर्व समाज की माताएं बहनें बहुजन समाज के साथ जो है, BSP के साथ जो है, लगातार मजबूती के साथ जो आ रही हैं और जमीनी लड़ाई चल रही है। बहन जी के लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगे? आज बहन जी आ रही है यहाँ पर। बहन जी के लिए मैं वो गीत गुनगुना रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश भर में चल रहा है और मेरा गाया हुआ गीत है, मेरा लिखा हुआ। आज आप सभी के सामने उस गीत को गा रहा हूँ, सुने सभी। अरे बसपा की अब लहर चल गई, बसपा की अब लहर चल गई, रोके न रुक पावेगी 2022 में बहना फिर सरकार बनावेगी। हाँ 2022 में बहना फिर सरकार बनावेगी। अरे निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, हाथी की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से, हाथी की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से, फूल और पंजे के चक्कर, साइकिल और फूल के चक्कर में नए जनता आवेगी 2022 में बहना फिर सरकार बनावेगी। और देखिए तमाम तरह की पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और लंबी लंबी हाँक रही हैं, जो पहले भी हाँकी गई थी। कोई कह रहा है 250 पार, कोई कह रहा है 300 पार, कोई कह रहा है 350 पार। तो मैम मैं आपको बता दूं, वो 250 पार 300 पार वो सीटों की नहीं कह रहे हैं, वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि अगर भूल से अगर ये समाज इसकी सरकार दोबारा ले आया तो 250 के पार जो वो कह रहे हैं वो सरसों का तेल हो जाएगा और गैस सिलेंडर 1200 के पार हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो विरोधी पार्टियाँ हैं कोई भी हों जो लंबी लंबी फेंक रहे, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ अपने इस गीत के माध्यम से कि लंबी लंबी फेंक रहे वो चौकत ही रह जावेंगे, लंबी लंबी फेंक रहे वो चौकत ही रह जावेंगे, और हाथी लखनऊ जाए तो कुत्ता भौंकत ही रह जावेंगे, हाथी लखनऊ जाए तो कुत्ता भौंकत ही रह जावेंगे। और झूठ और पाखंड को बहना चोर लुटेरे अत्याचारों को अंदर पहुंचावेगी 2022 में बहना फिर सरकार बनावेगी। और बहन जी को एक नाम से और जाना जाता है, और हम और आप सब कहते हैं कि आयरन लेडी, तो आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहते हैं बहन जी को। मैं बताना चाहता हूं कि बहन जी को आयरन लेडी क्यों कहते हैं, इस अगली लाइन में सुने साथियों कि मायावती बहन अपनी जिसे आयरन लेडी कहते हैं, और मैं हर मंच पर इस बात को कहता भी हूँ, और मेरा YouTube चैनल है प्रशांत कमली के नाम से, उस पर ये गाना है भी है कि मायावती बहन अपनी जिसे आयरन लेडी कहते हैं, और बहन के शासन में सब गुंडे जेल के अंदर रहते हैं, बहन के शासन में सब गुंडे जेल के अंदर रहते हैं। अरे कमली की आवाज सभी को, कमली की आवाज सभी को गाए गाए के समझावेगी, और 2022 में बहना
फिर सरकार बनावेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर गीत के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है और जिस तरह से बहन जी का शासन भी बताया है, और अगर किसी का अन्य का शासन आता है वो भी इस गीत के माध्यम से बताया है कि अगर किसी और का शासन आता है तो इस उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या होने वाली है। इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे गायक हो या बहुजन, कवि हो या जिस तरह से जो भी वर्ग है, वो एक ही टकटकी लगा कर देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहन कुमारी मायावती की सरकार। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल ND News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से